हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है पीवाईक्यू दिसंबर 2023 मैनेजमेंट के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। कल की क्लास हो सकता है आप लोगों ने मिस की हो, तो अगर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। तो आज हम उसी के आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं कि और कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए थे और हमें किस तरह के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं, ठीक है ना। उसी को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसी को डिटेल्स में करेंगे और अच्छे से आप लोग उसको तैयार कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर मैनेजमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको यहाँ पर बजटिंग जो प्रोसेस है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको बजटिंग की प्रोसेस पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगेन, जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में आप लोगों को बताऊँ। आपको करना क्या है ना कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को देखने के बाद में आंसर खुद निकालना है, उसके बाद फिर जो राइट आंसर है उसे आपको देखना है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस तभी सही होगी। तो राइट आंसर इज 4 गाइस। इसका सही आंसर जो है वो है आपका 4। सबसे पहले किसी भी चीज के लिए एस्टिमेट तैयार किया जाता है, उसके बाद फिर उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है उस एस्टिमेट को, फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है बजट को, कम्युनिकेट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी, फिर देखा जाएगा कि वो प्रोग्रेस कितना है अपने बजट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस इसकी वर्क करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 6। अब यहाँ आपसे पूछा गया है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, जो कि आपके मार्केटिंग का पास्ट है। मार्केटिंग वैल्यू में आपका वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बारे में पूछा गया है और इसकी सीक्वेंस आपसे पूछी गई है। तो इसके सीक्वेंस को आपको पता करने के लिए ये पता होना चाहिए कि वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस होती क्या है, ठीक है ना, और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट कि क्या हो सकती है इसकी प्रोसेस। The right answer is 1 guys. इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1, ठीक है। तो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होती है? द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इंक्लूडिंग चूजिंग, यानी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन द प्रोवाइडिंग यानी कि डिलीवर किया जाता है, एंड द कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर वैल्यूज। सुपीरियर वैल्यूज को कम्युनिकेट किया जा रहा है। द वैल्यू चेन इज टूल फॉर आइडेंटिफाई द की एक्टिविटी दैट क्रिएट द वैल्यू एंड कॉस्ट इन अ स्पेसिफिक बिजनेस। यानी कि 3 प्रोसेस में आपका हो रहा है, चूजिंग कस्टमर या चूजिंग वैल्यू, डिलीवरिंग द वैल्यूज एंड कम्युनिकेटिंग द वैल्यूज। इन 3 प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ये आपका वैल्यू को ट्रांसफर करने वाला प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, दिस वन। सबसे पहले क्या बोला था उन्होंने, सिलेक्ट करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। तो सिलेक्ट द वैल्यूज, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग द वैल्यूज, जो नई वैल्यूज हमको डिलीवर करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट द वैल्यू। कम्युनिकेट करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, डिलीवर द वैल्यू। हमने वैल्यू को डिलीवर कर दिया है। फिर इसके बाद कैप्चरिंग द वैल्यू बैक फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से हमको क्या मिल रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर उसके बाद इनहेंसिंग द वैल्यूज, जिसमें हम जो भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं वो हम इंक्लूड करके आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस आपकी वर्क करती है, मार्केटिंग का पार्ट है ये। नेक्स्ट है आपका द वैरायटी ऑफ अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस, यानी एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, उस स्टेटमेंट को पूछा गया कि वो किसने बताया है। जब कोई चीज नई सी होती है ना तो जरूर पूछी जाती है। अब जैसे यहाँ पर देख लो आप, बड़ा ही एक स्टेटमेंट बताया गया है। यह स्टेटमेंट है द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, मैनेजमेंट थ्योरी को जंगल बताया गया है, ठीक है। द वेराइटी ऑफ अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस, द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट व्यूज हैव रिजल्टेड इन मच कंफ्यूजन as to what management is, what management theory and the science is, how managerial event should be analyzed. मतलब बड़ा confusion सा है कि management क्या है, कैसे work करता है, उसकी theory क्या है, science क्या है, events क्या है। तो एक तरह से ये जो situation है इसको management theory jungle का नाम दिया है। तो वो किसने दिया है ये आपसे पूछा गया है। तो the right answer is 3। इसका जो सही answer है that is the Arnold Lutz, है ना। Arnold Lutz ने आपको ये answer दिया हुआ है। द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल ये लिखा है किसने, हार्नोट स्पूट्स ने, इन 1961 में। इन्होंने क्लेम किया है द फ्लड, द मैनेजमेंट थ्योरी क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन। इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है कंसर्न कि इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि पुरानी चीजों को खत्म करके लोग नई नई चीजें लेकर आना चाहते हैं। तो इस तरह से बोला जा रहा है कि एक जंगल की तरह काम करता है,
जहां पर जंगल में क्या होता है कि जो लाइक एक तरह से आप देख रहे हो ना कि पुरानी प्रजातियां खत्म हो रही है और नई नई आती जा रही हैं, उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पर ये बता दिया गया है कि पुराने जो नियम थे या पुराने जो थॉट्स चल रहे थे उनको हटाकर न्यू थॉट्स जो है वो आते चले जा रहे हैं। इसलिए इसको मैनेजमेंट थ्योरी को जंगल का नाम यहाँ पर दिया गया है हार्नोट कोट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर्ग्यू द एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। आप जरा ध्यान से देखो, क्या हमेशा एटीट्यूड बिहेवियर को फॉलो करता है या बिहेवियर एटीट्यूड को फॉलो करता है? हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है या हमारा एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर क्रिएट करता है? तो एटीट्यूड बिहेवियर क्रिएट करता है या बिहेवियर एटीट्यूड क्रिएट करता है, इसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट हुआ था और इस आर्ग्यूमेंट में एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर जो है ये किसने बताया है ये आपसे पूछा गया है। तो गाइज एक चीज आपको समझना होगा कि एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर है ना यहाँ पर रिलेशनशिप बताया गया है। डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम द एटीट्यूड? क्या एटीट्यूड से ही हमारा बिहेवियर निकल कर आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा एटीट्यूड है और जॉब परफॉर्मेंस हमारा बिहेवियर है। कि हमारा एटीट्यूड अच्छा था यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन हमको था, इसलिए हमारा बिहेवियर यानी कि हमारा जॉब परफॉर्मेंस अच्छा निकल कर आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लियोन फेस्टिंगर थे, है ना, लियोन फेस्टिंगर, ये किसने बताया है? इन्होंने बताया, इन्होंने जस्ट अपोज कर दिया, है ना। इन्होंने कहा, स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं हमेशा, कि एटीट्यूड से बिहेवियर क्रिएट हो रहा है। इन्होंने कहा कि नहीं, बिहेवियर से एटीट्यूड क्रिएट होता है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? कि बिहेवियर से एटीट्यूड क्रिएट होता है, एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि नो, रिवर्स भी ऐसा हो सकता है, यानी कि जॉब परफॉर्मेंस आपका बिहेवियर है, उससे आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इनका कहना था। इन्होंने कहा कि एटीट्यूड फॉलो द बिहेवियर, क्या बोला इन्होंने कि एटीट्यूड फॉलो द बिहेवियर, है ना, ये चीज इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। ओके, मतलब कई जगह पर कॉग्निटिव डिसोनेंस काम करते हैं, वहां पर ये चीज हो सकती है। जैसे कि आप अपनी जॉब को और कंपनी को पसंद नहीं करते, बट आप अपने बॉस को पसंद करते हो, इसलिए आप वहां पर मौजूद हैं। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पर है, एनी इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द टू और मोर एटीट्यूड और बिहेवियर, सॉरी, बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तो वो वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा एटीट्यूड जो है वो लाइक एटीट्यूड जैसा है वैसा ही आपका बिहेवियर होगा, ऐसा नहीं होता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट,